जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फौजी मेहता अकेडमी में। दोस्तों आज का जो वीडियो स्पेशली मैं आपको बताने वाला हूं, जो SSC GD के लिए आपके पास में जो मॉडल सीरीज होनी चाहिए, कौन कौन सी मॉडल सीरीज आपके पास में होनी चाहिए, कौन कौन सी टेस्ट बुक होनी चाहिए, कौन कौन सी मॉडल अभी प्रेजेंट टाइम में आपको करनी चाहिए जिससे आपको फायदा होगा, कौन कौन सी बुक्स होनी चाहिए। वैसे बुक्स पर मैंने वीडियो बना रखा, आप सभी ने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो देख लीजिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कौन सी किताबें SSC GD के लिए सबसे बेस्ट है जिनसे आप तैयारी कर सकते हो, मैं भी जिनसे तैयारी करता हूँ वो भी आपको बेस्ट मिलेगी, ठीक है। तो दोस्तों आपके लिए मैं बताने वाला हूँ कि कौन कौन से मेडल सेट ले, आप कौन कौन से टेस्ट सीरीज ले जिससे आपको काफ़ी फायदा होगा, उन टेस्ट सीरीज में आपको टेस्ट देखे, या जो आप टेस्ट बुक ले रहे हो कौन सी ले, कौन सी बुक आपके लिए सबसे बेस्ट है और टेस्ट सीरीज आपको क्यों लेनी चाहिए उसके बारे में। पहली बात तो ये कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको आने वाले एग्जाम की तैयारी। और साथ में एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों कि 12 मार्च से मैं इस पे आपको मैथ और रीजनिंग की क्लास लाइव करने वाला हूँ, तो मेरे साथ में आप जुड़े रहिए लाइव, और उसका टाइम के लिए मैंने आपको ओपिनियन डाला है, तो आपका जो टाइम आएगा उस टाइम के हिसाब से मैं 12 तारीख से कंटिन्यू आपकी लाइव SSC GD की मैथ और रीजनिंग की प्रिपरेशन कराऊंगा। तो जितने भी इच्छुक है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए कि हाँ सर हम एक्साइटेड है और तैयार है मेरे साथ तैयारी करने के लिए, तो उनको तैयारी कराऊंगा मैथ और रीजनिंग की SSC GD के लिए स्पेशली। अब बात करते हैं कि आपके पास में कौन कौन सी टेस्ट सीरीज होनी चाहिए। तो दोस्तों जैसे कि मैं बताया, मॉडल पेपर सबसे पहले आपके पास में ओल्ड पेपर की मॉडल पेपर होनी चाहिए। अगर आपको ओल्ड पेपर की मॉडल पेपर आपके पास में नहीं है, कि आज तक जितने भी SSC GD के एग्ज़ाम हुए क्यों होनी चाहिए उसका भी रीज़न बता दूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट मारते हैं SSC GD में, कई बार बोल चुका हूँ, बहुत सारे आप ओल्ड पेपर मिलाओगे तो उसमें से 25% आपको मिल जाएंगे रिपीट मारे हुए, 25% बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, ठीक है, उतने क्वेश्चन रिपीट मारते हैं। तो जितने भी ओल्ड पेपर हुए वो आपके पास में होनी चाहिए, उसमें आप GK पे ज़्यादा महत्व ना दें, मैथ रीजनिंग और हिंदी पर महत्व दें। GK पर इसलिए क्योंकि उन समय का करंट GK वो पढ़ के आपको कोई मतलब नहीं है, हाँ अगर वो उस समय की हिस्ट्री है तो उसको पढ़ लीजिए, या और टाइप का साइंस है तो वो पढ़ लीजिए, लेकिन जो करंट GK उस समय का उससे कोई मतलब नहीं, तो उसको आप ज़्यादा उसको इग्नोर कर दें, लेकिन मैथ रीजनिंग और हिंदी आप उसमें से पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज, एक तो आपके लिए नॉलेज होगा कि हाँ ये किस प्रकार से पेपर आता है, क्या इसका पैटर्न होता है, किस किस लेवल के पेपर आते हैं। अब आपके पास में नहीं है तो भी मेरे को कमेंट करिए कि सर हमारे पास में मॉडल पेपर की कोई बुक नहीं है, तो मैं आपको बिल्कुल प्रोवाइड कराऊंगा कि ये बुक लीजिए, वो पूरी चेक करके कि ये बुक अच्छी है आपके लिए, मैं आपको अच्छी से एक बुक बताऊंगा, फिर आप वो परचेज़ कर लेना अगर आपके पास में नहीं है। और आपके पास में अगर कोई स्टोर है बुक डिपो तो वहाँ से जाके ले लीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ओल्ड पेपर की, सबसे पहले आपको ओल्ड पेपर की जितने भी ओल्ड पेपर है उनके हल किए हुए आपको पास में PDF या पेपर या बुक होनी चाहिए, सबसे पहले आपको वही देखनी है तैयारी शुरू करने से पहले, सबसे पहले आपको वही देखनी है ताकि आपको पता चले कि इसका लेवल क्या है, किस लेवल के इसमें क्वेश्चन आते हैं, इसके GK का क्या लेवल है, इसके मैथ का क्या लेवल है, इसकी रीजनिंग का क्या लेवल है और इसके हिंदी का क्या लेवल है सबसे पहले। उसके बाद में दोस्तों जो नई मॉडल गाइड आती है, मॉडल गाइड कौन सी अकॉर्डिंग टू कि इस बार ये क्वेश्चन आएंगे, मतलब इस बार का पेपर ऐसा होगा, उसमें आपकी क्या है करंट GK तैयार होती रहती है, GK अच्छी तैयार होती रहती है, और मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन भी वो अलग अलग टाइप के देते हैं। तो कौन सी मॉडल बुक लेनी है आपके पास में, अगर कोई अवेलेबल होगी बुक डिपो पर काफ़ी आ चुकी है, अगर नहीं अवेलेबल है तो उसके लिए भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसके भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपको कि ये लीजिए, फिर आप वहाँ से वो भी ले सकते हो, उसके लिए भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो आने वाले एग्ज़ाम की जो मॉडल बुक देते हैं उसमें करंट GK अच्छा देते हैं, ठीक है, GK अच्छा देते हैं, और जो लेवल देते हैं GK का वो भी काफ़ी अच्छा अगर अच्छी बुक है तो, ठीक है। तो ये दो टेस्ट पेपर आपके पास में होनी चाहिए, बाकी मैं बता चुका हूँ आपको पहले भी कि हर एक सब्जेक्ट की, मतलब मैथ की आपके पास में अलग बुक होनी चाहिए। कौन कौन सी बुक, रामनिवास माथुरिया, राकेश अग्रवाल, एक अंकगणित की आर के अग्रवाल की भी आती है, RS अग्रवाल की बुक भी, तो ये तीन आपके पास में बुक होनी चाहिए मैथ की, इनमें से कोई भी हो सकते, तीन की ज़रूरत नहीं। और रीजनिंग के लिए आप कम से कम तीन बुक ले लीजिए, कोई भी जो आपकी पच्छा हो, बाकी किरण पब्लिकेशन की अच्छी आती है, रामनिवास माथुरी की भी आती है, और भी अगर कोई नोट्स बुक है तो वो ले लीजिए। रीजनिंग की कम से कम आपके पास में तीन बुक होनी चाहिए, मैथ की एक, रीजनिंग की तीन बुक होनी चाहिए, मैथ की आपकी इच्छा है आप परचेज कर सकते हो, आपका एक दोस्त अगर साथ में तैयारी करो, एक रामनिवास माथुरी ले लो, एक राकेश अग्रवाल ले लो, दो बुक से साथ में तैयारी कर सकते हो, उनका जो आपको मेथड अच्छा लगे उसको आप ऑब्जर्व कर लीजिए, जो आपको टिपिकल लगे वो दूसरी बुक में देख लीजिए। रीजनिंग की आपके दो से तीन होनी चाहिए, प्रैक्टिस करते रहना रीजनिंग की बार बार, क्योंकि कोई मेथड उसमें परमानेंट चलता नहीं है, आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, माइंड तरोताज़ा होना चाहिए। GK के लिए पहले मैं सजेस्ट कर चुका हूँ लूसेंट की बुक ले लीजिए, GK के लिए थ्योरी जो मैं खुद भी पढ़ता हूँ आपको भी सजेस्ट कर रहा हूँ। साथ में वस्तुनिष्ठ आपके पास में बुक होनी चाहिए, एक जो शॉर्ट क्वेश्चन की बुक आती है वो ले लीजिए, एक करंट GK की बुक आपके पास में हमेशा होनी चाहिए। और करंट GK की अगर आप अभी बुक नहीं परचेज करते हो तो आप पेपर हर रोज़ पढ़ा करो, ठीक है। करंट GK आप लास्ट में अगर चाहते हो कि मैं लास्ट के दो महीनों में करंट GK पढ़ लूँगा, एक महीने पढ़ लूँगा, तो आप न्यूज़पेपर डेली पढ़िया करें। वैसे मेरे ख्याल से आप करंट GK भी साथ में पढ़ते रहोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, मोस्ट क्वेश्चन ज़्यादा
डीपली नहीं, मोस्ट मोस्ट क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद में हिंदी के लिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ, हिंदी की बहुत सारी गाइडें आ गई, तो नोट्स की अगर कोई बुक हो या किसी विशेष कोई नोट्स हो किसी टीचर के तो वो ले लीजिए, काफ़ी अच्छे रहते हैं SSGD के लिए नोट्स, बाकी बुक के बजाय नोट्स इसलिए अच्छे रहते हैं। आपके पास में नहीं है तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा, सब ये जो सामग्री मैं बता रहा हूँ ये सभी के सभी मैं आपको प्रोवाइड भी करा दूंगा, उसके लिए भी आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों के पास में नहीं उनको मैं मार्च के महीने में ये सब चीज़ें प्रोवाइड भी करवा दूंगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको ये बुक्स लेनी है और जो मैंने बताया ये पूरा मटेरियल आपके पास में होना चाहिए SSGD के लिए, फिर आपको देखते हैं कौन रोकता है। जय हिंद, जय भारत।